हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट मिस्ट्री क्रिएटर। और आज हमारे साथ है मेरी बड़ी सिस्टर, और ये पहचानते होंगे आप इनको। तो आज हम निकले हैं घूमने सिद्धा बाबा मंदिर, जो है नेपाल में। और इस टाइम हम नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, अब अंदर जाते हैं। नेपाल के अंदर एंट्री करते आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। और एक और भी ख़ास बात, यहाँ पे आते आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा, यहाँ पे आपको नेपाली सिम भी लेना पड़ेगा। और अब हम पहुँच चुके हैं सिद्धा बाबा मंदिर। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर में आपको आने के लिए सबसे पहले भुटवल आना पड़ेगा, अब भुटवल के भूत खोला वाटरफॉल आना पड़ेगा। वाटरफॉल से 2 किलोमीटर दूर पे ये मंदिर स्थापित है। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा पता है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और ये है कि कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ पूर्णागिरी माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर दिन आते थे देवी के दर्शन करने, और वो इनके दरबार में हाजिरी दिया करते थे। एक दिन माता अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, और उसी समय बाबा प्रवेश कर गए। फिर देवी जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। जब उन्हें ये पता चला कि ये वही भक्त है जो प्रतिदिन आया करता है, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। फिर देवी ने उन्हें वरदान दिया और कहा, मेरे दर्शन तभी पूरे होंगे जब लोग इनके दर्शन करेंगे, और यहाँ पे जो भी इच्छा मांगो वो पूरा होगा। कहा जाता है माता ने जो उनके टुकड़े हवा में उछाले थे, जहाँ पे वो टुकड़े गिरे वहाँ वो अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हैं। और ये मंदिर उन मंदिरों में से एक है। सिद्धा बाबा का मूल निवास नेपाल के खालना नामक जगह पे स्थित है। ये मंदिर पहाड़ी एरिया में एक साइड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम भीड़ होता है। शाम के टाइम आरती के समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो फ्रेंड्स, क्या इससे पहले आपको इस मंदिर के बारे में पता था? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।